नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। राधे, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। जी हाँ, आज का विषय तो बेहद ही खास है आचार्य जी, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि कई बार हम देखते हैं कि एक लग्न के, एक ही समय के, एक ही नक्षत्र के दो लोग जब होते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें भाग्य को लेकर परिवर्तन देखने को मिल जाता है। आचार्य जी, जैसे हम बात करें, कोई एग्जांपल सेट करें तो एक तो शाहरुख खान बन जाता है। हाँ। और उसी डेट ऑफ बर्थ का, उसी समय का, ये नक्षत्र का पैदा हुआ व्यक्ति हो सकता है किसी होटल में कर्मचारी हो, बिल्कुल, या हो सकता है कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सेम कुंडली जो है, जो हो सकता है क्रिकेटर बन चुका हो, और हो सकता है उसी सेम डेट पर जन्मा व्यक्ति, उसी समय में जन्मा व्यक्ति जो है शिक्षा के लिए भी मजबूर हो। क्या वजह हो जाती है कि एक का भाग्य तो बिल्कुल आसमान छू रहा होता है और दूसरा जमीन से नहीं उठ पा रहा होता है? आचार्य जी, ये रहस्य तो जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल कंचन, देखिए ठीक उदाहरण दिया आपने। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के समक्ष ऐसे उदाहरण पेश आ जाते हैं, दूर ना जा करके भी अगर हम नजदीक देखें तो एक माँ के गर्भ से अगर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं उनके भी भाग्य अलग अलग हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? आप सबके भी मस्तिष्क में कई बार इस प्रकार के प्रश्न कौंधते रहते हैं, या आप यूं सोचते हैं कि भाई बहुत ऐसे भी इंसान आपके आसपास इर्द गिर्द मिल जाएंगे जो बहुत सारे पाप करके और प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए टहलते रहते हैं, और कोई बेहद पुण्यशाली होकर के बहुत ज्यादा दुखों को भोगता है। इन सभी बातों के पीछे एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्यों आखिर ऐसा? आपके भी मस्तिष्क में यदि इस प्रकार के प्रश्नों को आपने जगह दिया है, बहुत सारे ऐसे सवाल उमड़ घुमड़ कर रहे हैं आपके दिमाग में, कौंध रहे हैं आपके दिमाग में, तो आज हर एक प्रश्न का उत्तर हम आपको देंगे, हर रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। कोई निवारण की आवश्यकता नहीं है, बस आप जान लें जिससे एक तृप्ति, एक संतुष्टि का भाव आपके मस्तिष्क में आ जाए। तमाम चीजें हम बताएंगे कि कभी शिक्षा में अलग अलग हो गए, विवाह के बाद किसी का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा गया और ठीक उसी समय के लग्न समय नक्षत्र ग्रह दशा और किसी का दाम्पत्य जीवन बहुत बुरा जा रहा है, किसी को तो बहुत अच्छे अच्छे संतान की प्राप्ति हुई तो कोई नहीं संतान मरने वाला है, क्या है इसके पीछे का कारण, सब कुछ हम आपको इंडिविजुअली बताएंगे। किचन पिटारा, आज इसमें क्या है? छोटे छोटे बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, अगर ऐसा हो रहा है बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गया है तो वह बातें बड़ी ना करे, कर्म बड़ा करे, उसके लिए आज किचन पिटारा इंतजार करिए। जी हाँ, और इसमें क्या है? इसमें है आपका अपना लकी अक्षर, तकदीर है इसमें। आज आपकी राशि के अनुसार कौन सा अक्षर आपके हिस्से में आने वाला है जो आज के दिन को आपके लिए बहुत ही लकी, पॉजिटिव बनाने वाला है, ये हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आपकी सुरक्षा के बारे में। अभी आपको हो सकता है हमारे शो के बाद किसी खास काम के लिए किसी यात्रा पर जाना है तो हम चाहेंगे कि अपने साथ रक्षा कवच जो है वो जरूर लेके चले, क्योंकि पूरे 24 घंटे ये आपकी सुरक्षा करता है, और ना केवल आज के दिन बल्कि कल के दिन, यानी पूरे 48 घंटे के हिसाब से रक्षा कवच आपके पास पहुंच रहा है, तो अपनाएं जरूर। चलिए, आपकी सुरक्षा की गारंटी यहां से निकलती है। आज के दिन खास तौर पर कहीं यात्रा के निमित्त प्रस्थान करने वाले हैं, उससे पहले यह करिए, आपके समक्ष स्क्रीन पर दही और शक्कर पानी में मिलाकर अपने सर से वारिए और तुलसी के नीचे डालते हुए फिर आप घर से प्रस्थान कर लीजिएगा। कल के निमित्त अगर आप कहीं प्रस्थान करने के लिए विचार कर रहे हैं, घर शिफ्ट करना या कुछ भी इस प्रकार की भावना आपके मन में है, तो पीली सरसों 3 चुटकी आपको प्राप्त करना है, याद रखिएगा कल के लिए खास तौर पर, और एक बार काजल हाथ में लगा के सरसों को स्पर्श कर लीजिए और सर से वार के कपूर से जला लीजिएगा। अब आपके समक्ष जितनी भी नकारात्मकता थी आपके जीवन में, भाग्य में, सब दूर हो जाएगी, सुरक्षित रहेंगे आप, सही सलामत अपने कार्य को संपादित करेंगे। बिल्कुल, और अब बारी आ गई है मिशन सक्सेस की। आपने ठान लिया है कि आपको जीत हासिल करनी है किसी भी क्षेत्र के लिए, अगर आपने प्रयास किया हुआ है, इम्तिहान है, प्रतियोगिता है, साक्षात्कार है, और अब तो बोर्ड एग्जाम भी खत्म हो रहे हैं, लेकिन जैसे कि हमने आपको कहा कि साथ तो हमारा जिंदगी भर रहेगा आपके साथ, तो ऐसे में आज के दिन या कल के दिन किसी भी तरह की प्रतियोगिता है, साक्षात्कार है, उसमें आप सफलता प्राप्त कर जाएं और इसके लिए अपनाएं मिशन सक्सेस।
जिस पर आपने एक मान्यता दिया अपनी सफलता को कि यह है एक मिशन की तरह है, एक जुनून उसके अंदर आपके अंदर आ गया। अब हम आपकी मदद करते हैं आपके भाग्य को मजबूत करने के लिए। आज के दिन कहीं आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा सा काम आपको संपादित करना है, एक कटोरी में नींबू का रस निचोड़ें, एक चुटकी नमक डालें और पीपल के नीचे इसको गिराते हुए चले जाइएगा। ताज्जुब होगा कि कमाल की शक्ति आपके अंदर अचानक से आ जाएगी। करिएगा, अच्छा लगेगा। और कल के दिन ये भी नोट कर लीजिएगा, अशोक के पत्ते पर एक चुटकी आटा रखिएगा, एक चुटकी चीनी रखिए और पीपल के नीचे इसको डाल दीजिए। ये कल का रहेगा जब आप एक परीक्षा को, अपने जीवन को, अपने दिन को मिशन की तरह लेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल। और आचार्य जी, अब अपने विषय पर आना चाहेंगे, भाग्य का ही खेल है। बिल्कुल, क्योंकि भाग्य अगर बलवान हो तो आप महान भी बन जाते हैं, लेकिन यही अगर कहीं ना कहीं भाग्य में कहीं ना कहीं परेशानी हो, भाग्य अगर आपका प्रबल ना हो तो आप बेईमान भी बन जाते हैं, है ना। तो ऐसे में आचार्य जी समझना चाहेंगे कि प्रारब्ध और भाग्य का जो है ग्रहों के साथ क्या कनेक्शन है, प्रारब्ध क्या होता है, ये भी सबको जरूर बताएं। बिल्कुल, देखिए रोचक विषय है, इसको गहराई से समझने की आवश्यकता है। आप अभी जिस घर में बैठे हैं इसी घर में आप क्यों जन्म लिए, किसी मंत्री के घर क्यों नहीं पैदा हुए? मतलब कहने का है कि क्या वजह थी कि वहीं पैदा होना था आपको, एक प्रश्न है ये, हम आपसे ही पूछते हैं। जिन कारणों से आप उस घर में पैदा हुए हैं, आप यूं समझिए कि जो बदल ही नहीं सकता है वही प्रारब्ध है। अपना जोर 1% भी नहीं चलता है। क्या आप अपने माता पिता बदल सकते हैं? अपने आप से प्रश्न करिएगा, उत्तर मिल जाएगा प्रारब्ध का, संभव ही नहीं है, कहां संभव है। चलिए अब हम आपको बताते हैं, बहुत सम्यक तरीके से इसको समझिएगा, थोड़ा सा रोचक विषय के साथ साथ क्लिष्ट भी है, कठिन भी है, आराम से दिमाग खोल के बैठिएगा, समझ में आएगा। पूर्व जन्म के कई जन्मों का, पिछले कई जन्मों का जो फल है कर्मों का, वही आपका प्रारब्ध है। यही से निर्धारित होता है उस जीव का कुछ खास नक्षत्रों के आधार पर प्राप्ति। प्रारब्ध पर किसी का भी जोर चल ही नहीं सकता। मतलब यह है जो आपके हाथ में नहीं है वो प्रारब्ध है। जैसे आप अपने घर से कदम बढ़ाए बस स्टैंड पर जाकर बस पकड़ने के लिए, कहीं गंतव्य तक पहुंचने के लिए, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, लेकिन क्या आप गारंटी लेते हैं घर से निकलते कि आपको बस मिल ही जाएगी? नहीं, वहां आपका जोर नहीं है। प्रारब्ध में प्राप्ति होगी तो बस मिल जाएगी, बस बिगड़ेगी नहीं, बस पहुंच जाएगी अगर प्रारब्ध में जोर है। प्रारब्ध हर किसी को भोगना ही पड़ता है, ये कन्फर्म है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। यह रामचरितमानस की पंक्ति है। भरत से कहते हैं ऋषि जो है महात्मा कि यह भावी माने भवितव्यता, प्रारब्ध ये प्रबल होता है, बहुत प्रबल होता है। यहां पर आपका बल नहीं चलता, परम पिता का बल चलता है, पहले से ही प्रीडिसाइडेड है। कुंडली के ग्रहों के द्वारा ये परिलक्षित हो जाता है। आपके जन्मांक में जो उपस्थित ग्रह है ये बता देते हैं कि आपने किसी के साथ क्या कुछ करके जन्म लिया है जो आपको भोगना ही पड़ेगा, ये कन्फर्म है। परिवार की प्राप्ति भी इसी पर निर्भर करती है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चा संतान, इष्ट मित्र, रिश्तेदार, जो भी आपके कुटुंब बंधु बांधव है, वो कौन मिलेगा, कैसा रहेगा, उसका आचरण आपके प्रति कैसा रहेगा, ये सब प्रारब्ध पे निर्भर करता है। परिवार में सुख दुख की प्राप्ति भी इसी पर निर्भर होती है। एक ही बच्चा है, अचानक से ईश्वर न करे उस बच्चे को कुछ हो गया, आपका जीवन ही व्यर्थ लगने लगा, क्यों हुआ आपके साथ ऐसा, ये जहां जहां क्यों शब्द आए प्रारब्ध पे छोड़ दीजिएगा। माता पिता और उनका सुख दुख सब कुछ इसी पर निर्भर करता है कि आपके प्रारब्ध के साथ कनेक्शन है। अब ये हमने आपको बताया कि किस तरह से आप एक परिवार की प्राप्ति किए, परिवार में आपके स्वजनों की प्राप्ति हुई, उनके साथ आपके संबंधों की प्राप्ति हुई, आपके सुख दुख की प्राप्ति हुई। अब हम आपको बताएंगे कि दो लोगों का प्रारब्ध अलग अलग कैसे होता है, इसके पीछे क्या कारण है। ग्रही कारण सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं,
बने रहिए हमारे साथ, बेहद रोचक विषय है, समझ में आता जाएगा, बहुत बड़े प्रश्नों से पर्दा उठ जाएगा और आप खुद बहुत तृप्त महसूस करेंगे। जी हाँ, लेकिन उससे पहले काम करते हैं अलीगंज से विनय जुड़े हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछे आप। नमस्कार कंचन जी। नमस्कार राधे राधे आचार्य जी। जय श्री राधे भैया। जय जय श्री राधे। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 17 अक्टूबर 1970। जी समय जी। समय है 7:30 AM। जी और प्लेस एटा यूपी। क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा यह है कि आचार्य जी की मैं फिलहाल जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ पिछले काफी दिनों से मतलब आर्थिक स्थिति में गड़बड़ है, तो पिछले 18 महीने से सैलरी वैली भी नहीं मिली है, तो मुझे आपसे ये पूछना यह है कि मैं इस नौकरी में मतलब कंटिन्यू रखूँ कि दूसरी जगह देखूँ या व्यापार करूँ, और व्यापार यदि करूँ तो अपने नाम से करूँ या पत्नी के नाम से। जी जी, कुंडली आपकी तुला लग्न की है और चंद्रमा शनि एक साथ बैठे हैं। व्यापार भैया फिलहाल तो जो जन्मांक कह रहा है पत्नी के नाम से ही इशारा कर रहा है, वैसे आप जिस भी व्यापार में अपने आप को समाहित करेंगे लगेंगे वो व्यापार बहुत अच्छा चलने की उम्मीद हम नहीं कर रहे हैं। शनि ही आपकी जन्मांक में नीचस्थ है, नीच राशि में बैठे हैं। शनि का नीचस्थ रहना व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं होता है। हाँ, एक काम कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, कुछ सामग्रियों का ट्रेडिंग करिएगा, कुछ प्रोडक्शन के चक्कर में ना पड़िएगा, वहां फंस जाएंगे। बृहस्पति की महादशा 2026 तक है, धैर्य रखिएगा, तब तक शनिवार का व्रत जल्दी कर लीजिए और ये करते रहिएगा कुछ वर्षों तक, 10-15 वर्ष तक करिए, जब तक बृहस्पति की महादशा है 2026 तक तो कम से कम करिएगा। 2 केले के पौधे एकादशी तिथि में किसी कृष्ण मंदिर में जाके लगा दीजिएगा। सात्विक रहिएगा विचारों से भी और आहार से भी, बड़ों का आशीर्वाद ले आगे बढ़ जाएंगे। जी हाँ, और आचार्य जी वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपका फोरहेड देख रही थी। अच्छा, चौड़ा है, कुछ खास है क्या इसमें? नहीं, आज यही तो बताएंगे दोपहर के शो में कि आपका फोरहेड यानी कि आपका जो माथा है चौड़ा है छोटा है लंबा है, आप अपने माथे के आधार पर अपने बारे में अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे, तो जानने के लिए जुड़ना होगा 2:30 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। अब नहीं सहना पड़ेगा पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द, डॉक्टर आर्थो है तमाम जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1,000 रकम का DD। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू DP रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 41-1028। ईमेल kisancoop@gmail.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विषय आज हम बेहद ही दिलचस्प और बहुत ही ज्ञानवर्धक लेकर आए हैं, क्योंकि आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपके परिवार में दो जुड़वा बच्चे हैं, आपको लगता है कि एक बच्चा तो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और दूसरा पढ़ाई में जो है कुछ ठीक ठाक ही है, जबकि सारे ग्रह वही है, सारे ग्रह वही नक्षत्र वही है, दशाएं वही है, यहीं पर आकर के हमें सोचने पर विवश होना पड़ता है कि आखिर खेल कहाँ है, किस्मत ने कहाँ खेला है, प्रारब्ध पे क्या असर था, यही बताएंगे।
हाँ, तो भाग्य क्यों अलग अलग हुआ ये आज को हम आपको बताना चाह रहे हैं। आचार्य जी, वैसे भी अगर हम जनरली बात करें किसी कुंडली को लेकर के, कि अगर एक बच्चा जो है सेम नक्षत्र सेम टाइम और डेट पर है और दूसरे की भी कुंडली बिल्कुल सेम सेम है लेकिन एक परिवार के नहीं है बेशक, तो ऐसा क्यों होता है कि एक बच्चा तो बहुत ही अच्छे स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहा है और दूसरा जो है वो किसी सरकारी स्कूल में है, या फिर एक बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है पढ़ाई में और दूसरा ठीक ठाक ही पढ़ाई कर पा रहा है? देखिए, अब हम स्कूलिंग पे चर्चा करते हैं, शैक्षणिक योग्यता और क्षमता पर। वही ग्रह है नवग्रह। अच्छा देखिए, ताज्जुब देखिए, आपको खुद यकीन हो जाएगा, यही नवग्रह आतंकवादी के भी होते हैं और यही नवग्रह देश के सैनिक के भी होते हैं। जी, एक का कार्य क्या है, एक का कार्य क्या है। नवग्रहों से हट करके कोई दसवां ग्रह नहीं आता, 27 नक्षत्रों से हटके कोई 28वां नक्षत्र नहीं है, सब कुछ सेम डिट्टो वही चीज है, यूनिक। लेकिन फल अलग अलग क्यों, वह क्वेश्चन मार्क जो आपके मस्तिष्क पे चल रहा है आज हर एक से हम पर्दा उठाएंगे। देखिए, खेल यहां पर क्या है, पिता के जन्मांक का कनेक्शन क्या है, अब वहां से भी हम आपको बताएंगे। स्कूलिंग में देखिएगा, पंचमेश और राहु अगर साथ साथ रहे, यहां से शुरू हो गया। पंचम भाव शिक्षा का है, पंचमेश शिक्षा के नैसर्गिक कारक के रूप में जाना जाता है, तो अलग यहां पर फिर शैक्षणिक योग्यता में भिन्नता आनी तय है। एक बहुत आगे निकल जाएगा और एक डाउन हो जाएगा, एक को बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिल जाएंगी तो किसी को बहुत कम सुविधाएं मिल पाएंगी। ग्रह वही है लेकिन यहां पंचमेश और राहु है। पंचमेश और शुक्र अगर साथ में बैठ जाए तो भी इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है कि सब कुछ भिन्न होने लग जाता है। आप कुछ भी कर ले लेकिन फल की प्राप्ति बहुत अलग अलग और हट करके होगी। पंचमेश और सूर्य का प्रभाव होगा, पंचमेश पर सूर्य का प्रभाव पड़ जाए तो भी आपको सब कुछ बहुत भिन्न भिन्न प्राप्ति हो जाएगी, आपको एक जैसा नहीं मिल सकता, किसी कीमत पे नहीं मिलेगा। अब पिता के जन्मांक पर भी एक बार चर्चा करते हैं। पिता के जन्मांक में अगर सूर्य बहुत बलवान हो, किस पिता के, जो बहुत अधिक सुविधा भोगी वाले बच्चे की पिता है, सूर्य बहुत बलवान होगा तो ऐसी स्थिति में उनका बच्चा तो बहुत आगे निकल जाएगा, लेकिन अगर किसी के पिता के जन्मांक में बहुत सूर्य वीक होगा तो उनका बच्चा नीचे आ जाएगा। सूर्य क्यों, नैसर्गिक रूप से पंचम भाव का जो कारक है वो सूर्य ही होता है। काल पुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए, मंगल की पूर्ण दृष्टि अगर शुक्र पर हो, ये भी देखिएगा, यहां भी हम पिता की जन्मांक की चर्चा कर रहे हैं, तो उनके बच्चे भले किसी बहुत पैसे वाले धनाढ्य के बच्चे के जन्मांक के दोनों सेम हो, डिट्टो प्लैनेट हो, उसी समय पर जन्म लिया हो, लेकिन पिता के जन्मांक में अगर मंगल की पूर्ण दृष्टि शुक्र पर होगी तो उनका बच्चा बहुत आगे जाएगा। तुलनात्मक दृष्टि से उसका बच्चा जिसका मंगल और शुक्र दूषित होगा, तो यहां पर पिता के साथ भी बहुत गहरा नाता है बच्चों के जन्मांक का, अर्थात किस प्रकार के बच्चे का जन्म होना है ये पिता के जन्मांक में पहले ही पता चल जाता है, बहुत क्रिस्टल क्लियर पता चलता है। शादी में भिन्नता कैसे हो जाती है, पति अच्छा मिल जाना, पत्नी अच्छी मिल जानी, कैसे, क्या है इसके पीछे गृह कारण, पिता की कुंडली कहां तक जिम्मेदार है, इस रहस्य से भी पर्दा उठ जाएगा। यानी कि देखा जाए तो बेसिक यहाँ शुरुआत तो पिताजी की कुंडली से हो रही है। जनक वही है, हाँ, तभी सब तो कुछ वहीं से मिला है। तो बस ऐसी जानकारियां और भी देते रहेंगे आपको, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से, तो लगाते हैं इन्हें अब कॉल और करते हैं बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और फिर स्थान बताएं आप। गुड मॉर्निंग मैम, राधे राधे पंडित जी। जय श्री राधे भैया। मैं नवनीत बोल रहा हूँ इटावा से। नवनीत जी, बधाई, आपको आज के लकी कॉलर बने हैं आप। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था आपसे कॉल या लकी कॉलर बनने की, बहुत टाइम बाद मुझे मौका मिला आपसे बात करने का, वो भी लकी कॉलर के रूप में। चलिए, बहुत बधाइयां, खूब सारी शुभकामनाएं भैया नवनीत जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। जी पंडित जी। जी नवनीत, बताएं किन के बारे में जानना चाहते हैं आप? मैं अपने बारे में ही जानना चाहता हूँ पंडित जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25/7/1984। जी, समय? टाइम है 5:55 शाम का। और प्लेस? प्लेस है आगरा, यूपी। क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी, मैं 2-3 साल से गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एग्जाम निकलने के बाद मेरा मेरिट में 1-2 नंबर से रह जाता है एग्जाम,
अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं है कुंडली में तो मैं किस क्षेत्र में कोशिश करूँ जिसमें मेरा फ्यूचर अच्छा रहेगा और शादी का क्या योग्य, बस यही दो चीजें। बिल्कुल नवनीत, देखिए कुंडली आपकी धनु लग्न की है, बृहस्पति की महादशा भी चल रही है आपकी, और दो राय नहीं इसमें कि सरकारी नौकरी आपके भाग्य में नहीं है। वैसे प्रयास करिए आप, लेकिन अगर हमसे पूछेंगे तो हम ये कहेंगे कि भैया 5 रुपए का फॉर्म भी क्यों खर्च करना, वह समय आप कहीं अन्यत्र लगाएं। देखिए आजीविका एक सही ढंग से आए और साथ ही साथ सरकारी नौकरी ही क्यों, आखिर इसके पीछे क्यों जुनून की तरह आप लोग पड़ जाते हैं। जन्मांक में बहुत बहुत क्लियर रहता है कि किस तरह के योग होने पर व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब पा सकता है। हमें ऐसा लगता है कि बहुत अकर्मण्य लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते हैं जो कम काम करना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बहुत स्कोप बहुत ज्यादा होता है। चलिए बहरहाल जन्मांक में आपके गवर्नमेंट जॉब के योग नहीं है, प्रयास चाहे तो आप कर सकते हैं। चंद्र राहु की युति है आपके जन्मांक में, अर्थात ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है, लिहाजा बेहतर होगा कि आप अपने कार्य की तरफ प्रयास करें। अपना काम आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा लकड़ी का या फिर वस्त्र का, इस दिशा में कदम बढ़ाइए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मंगल और शनि की उपस्थिति एक साथ है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आएगी, एक बार बहुत ढंग से कुंडली दिखा लीजिएगा। शुक्रवार का व्रत करें, मांसाहार से परहेज रहें और साथ ही साथ बड़ों का आशीर्वाद खूब लीजिएगा जी। और चलिए अब आप सबको बताते हैं बहुत ही अशुभ समय के बारे में, यानी कि राहु काल के बारे में। राहु काल आज का नोट कर लीजिएगा, जब आपको कुछ विशेष नहीं करना होता है 9 बजे से लेकर के 10:30 तक, मतलब कार्यक्रम के ठीक बाद राहु काल आरंभ हो जाएगा। और कल का राहु काल रहेगा शाम की वेला में 4:30 से लेकर के ठीक 6 बजे तक, इसमें आपको शुभ काम नहीं करना, कार्य बिगड़ सकते हैं जी। और अब जान लेते हैं अच्छे समय के बारे में, यानी कि गुलिक काल के बारे में। चलिए आज गुलिक काल का समय नोट कर लीजिए, जो कि बीत चुका है, 6 बजे से लेकर 7:30 तक था ये समय। इसमें जो भी काम किया होगा आपने अच्छा बन जाएगा काम आपका। और कल का गुलिक काल रहेगा राहु काल से ठीक पहले का समय, 3 बजे से लेकर के 4:30 तक कर सकते हैं जो चाहे कर जी हाँ। और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। फिर मैंने आपका फोरहेड देखा और देख लिया वहाँ तिलक। जी हाँ, इस तिलक में छुपे हुए बहुत सारे रहस्य है, ये अदृश्य शक्तियों से भरपूर है, बहुत सारी जानकारियां कल सुबह 8 बजे मिलेंगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।